Hello guys, welcome back to my YouTube channel Grooming and Fitness by me Himanshu Rai. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन होने वाला है. मैं आपको बताऊंगा कुछ मसल बिल्डिंग के फॉर्मूलेज जो कि बहुत फास्ट मसल बिल्डिंग होती है मसल गेन करने के लिए और विदाउट एनी मसल लॉस. मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगा, ऐसे फॉर्मूलेज बताऊंगा आपको जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका मसल लॉस कम से कम होगा और मसल गेन ज़्यादा से ज़्यादा होगी. तो बने रहिए इस वीडियो में. अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं. हाँ, तो मसल गेन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं. पहले तो मैं शुरू करता हूँ कि जो मतलब प्रोटीन, एक तो आप पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में प्रोटीन लेते हैं. प्रोटीन को अभी साइड में रखिए. पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्ब कितना इम्पॉर्टेंट है हमें पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में लेने के लिए. जैसे हम प्री वर्कआउट में पीनट बटर खाते हैं, वैसे पोस्ट वर्कआउट में ऐसा हम कुछ नहीं खाते हैं. तो आप कार्ब कितना लेना इम्पॉर्टेंट है वो समझिए पहले, कि कार्ब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पोस्ट वर्कआउट मील में लेने के लिए. हमारे जो ग्लाइकोजेंस लेवल होते हैं, जो हमारी एनर्जी होती है, वो वर्कआउट करते वक्त पूरी ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है. लेकिन उसकी पूरी ग्लाइकोजेंस को अप करने के लिए खाली प्रोटीन ही नहीं काम आता है. प्रोटीन के साथ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं जो कि होते हैं कार्ब. अब कार्ब आप किस फॉर्म में लें? कार्ब जो होते हैं वो मतलब जैसे कि आप वाइट ब्रेड खा सकते हैं और साथ में एग्स लीजिए. कार्ब की आपने एक फॉर्म और सुनी होगी, ओट्स एक स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है जो कि आप उसको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं और एंड उसमें बनाना, उसके साथ बनाना भी खा सकते हैं. और एग्स ज़रूर लीजिए. पोस्ट वर्कआउट में ये सब लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जो एनर्जी बहुत लो हो जाती है. खाली प्रोटीन से काम नहीं चलेगा गाइस, प्रोटीन के साथ ये सब ऐड करना पड़ेगा. और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि प्रोटीन को कैसे लिया जाता है पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट में. तो फिर आप उसको 1 स्कूप फॉर कैलोरीज मेंटेनेंस एंड 2 स्कूप फॉर कैलोरीज सरप्लस आप ले सकते हैं. उसके साथ एक और सप्लीमेंट ऐड करना है जो कि जो है प्योर कार्ब. उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको. और अगर आपको मेरा वीडियो ही अच्छा लगा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें गाइस. कमेंट करने से मेरे को पता लगेगा कि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है. तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश, स्टे फिट.